केविन। केविन को जब हमने सन 2005 में बेंटन में देखा तो उसके बाद से केविन के एक से एक म्यूटेशन हमें देखने को मिले, फिर चाहे वो केविन का हो या फिर केविन 11000 का हो। केविन का हर म्यूटेशन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और डेंजरस म्यूटेशन था और बेंटन को कड़ी टक्कर देता था। तो आखिरकार वो कौन कौन से म्यूटेशन हैं जो हमने अभी तक केविन के देखे हैं, तो वो सभी म्यूटेशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे शुरू से अंत तक, और जानेंगे केविन के म्यूटेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ केविन 11 के फैंस के लिए, तो बस वीडियो पे अब शुरू से एंड तक डटे रहना और वीडियो को कहीं से भी मिस मत करना। तुम्हें अब तक पता नहीं चला, शायद इससे मदद मिले। केविन, तो यार केविन जिसे हमने पहली बार बेंटन क्लासिक में देखा था, जिस एपिसोड का नाम ही था केविन 11, और यहाँ पर हमें पहली बार केविन को दिखाया गया था जो कि एक ह्यूमन था, पर असल में वो एक ऑस्मोशियन था जो पावर को अब्सॉर्ब कर सकता था। और यहाँ पर केविन और बेन दोस्त बनते हैं और यहीं पर पहली बार जो केविन था वो बेन की ओमनीट्रिक्स को अब्सॉर्ब करता है, जिसके बाद जो केविन था वो आधा हीट ब्लास्ट बन जाता है और आधा ह्यूमन बन जाता है। और यही केविन का पहला म्यूटेशन था और इस म्यूटेशन को देखकर बेंटन फैंस सन 2005 में पूरी तरह से चौंक गए थे कि ये क्या, एक आम इंसान भी बेंटन की ओमनीट्रिक्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है, ऐसा आखिरकार कैसे, और ये तब के लिए बहुत ही जिज्ञासु सवाल था। बुद्धू कहीं के, मैं एनर्जी अब्सॉर्ब करता हूँ, भूल गए क्या? और फिर इसके बाद जो अगला म्यूटेशन हमें केविन का देखने को मिला वो था फोरांस के साथ। जब केविन ने फोरांस की पावर को अब्सॉर्ब किया बेंटन की ओमनीट्रिक्स से, तब केविन एक टेट्रामेंट की पावर के साथ देखने को मिला और ये केविन का दूसरा म्यूटेशन था। और यहाँ पर केविन के इस म्यूटेशन के साथ खास बात ये थी कि इस बार इस म्यूटेशन के 6 हाथ थे, पर जो फोरांस था उसके केवल 4 हाथ थे। तो यहाँ पर केविन के पास 2 एक्स्ट्रा हाथ कहाँ से आए ये किसी को नहीं पता है। अब तो मुझे बहुत मजा आएगा, मजा तो मुझे भी आएगा। और फिर इसके बाद जो अगला म्यूटेशन हमें केविन के साथ देखने को मिला वो था फाइनल म्यूटेशन, और वो था केविन 11, जहाँ पर बेंटन के लगभग सभी 10 के 10 एलियन थे जो केविन के पास थे। और इन 10 एलियंस के साथ केविन म्यूटेट हुआ था जो बेंटन क्लासिक में हमें देखने को मिला था। और केविन अपने इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और एक वक्त तो केविन इस फॉर्म में विलगैक्सा को टक्कर देने चला गया था। और पूरी बेंटन क्लासिक की सीरीज में हमने केविन को इसी फॉर्म में देखा है। इसके बाद से इसके बाद जो अगला म्यूटेशन हमें केविन 11 का देखने को मिला वो था बेंटन ओमनीवर्स के पास्ट में, और यहाँ पर जब केविन छोटा था तो वहाँ पर हमें केविन 11 का एक और म्यूटेशन देखने को मिला जो बिल्कुल ही क्लासिक केविन से मिलता जुलता है। और यहाँ पर इस क्लासिक केविन के पास कई डिफरेंट एलियन की पावर्स थी जो कि इस क्लासिक वाले केविन 11 के पास नहीं थी, और यहाँ पर ये वाला केविन भी काफी ज्यादा पावरफुल था। क्या मैं तुम सबको एक ही झटके में खत्म कर सकता हूँ? चलो देखते हैं। और फिर जो इसके बाद हमें अगला केविन 11 देखने को मिला वो था बेंटन एलियन फोर्स में, और इस केविन का लुक बाकी सभी केविन 11 से बिल्कुल ही अलग था। और यहाँ पर ये पहला केविन था जो म्यूटेट होने के बाद भी अपने पूरे कंट्रोल में था। तो ये मुझे क्या हुआ? नो! मैं फिर से मॉन्स्टर बन गया। और फिर इसके बाद जो अगला केविन हमें देखने को मिला म्यूटेट वो था ये एक स्टोन क्रिएचर में, जहाँ पर जैम कैस्टर केविन को कंट्रोल कर रही थी
यहाँ पर कैबिन पूरी तरह से जाम कैस्टर के कंट्रोल में था। और इसके अलावा ये वाला डिज़ाइन ज़्यादातर बेंटन फैंस को उतना पसंद नहीं आया था जितना बाकी का डिज़ाइन कैबिन का बेंटन फैंस को पसंद आया है। और फिर इसके बाद जो अगला कैबिन 11 हमें देखने को मिला वो था बेंटन अल्टीमेट एलियन में, जिसे अल्टीमेट कैबिन भी कहा जाता है। और ये वाला कैबिन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसके पास बेंटन एलियन फोर्स के सभी एलियंस की पावर थी और इस कैबिन को हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और ये वाला कैबिन तो इतना पावरफुल था कि इसने एक वक्त को तो एग्रीगोर को भी बुरी तरह से हरा दिया था। और कैबिन का ये वाला जो म्यूटेशन था उसको बहुत सारे बेंटन फैंस बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। मॉन्स्टर तो मैं बन ही गया हूँ, मैं वो हूँ जिस पर किसी को ना प्यार है ना भरोसा। और फिर जो इसके बाद अगला म्यूटेशन हमें कैबिन का देखने को मिला वो था बेंटन ओमनिवर्स में, और वो था ये वाला म्यूटेशन जो कि काफ़ी डिफरेंट था। और ये वाला म्यूटेशन उतने बेंटन फैंस को पसंद नहीं आया जितना कि बाकी म्यूटेशन कैबिन का बेंटन फैंस को पसंद आया था। और यहाँ पर जो कैबिन था उसके पास बेंटन ओमनिवर्स के एलियंस की पावर थी और उन एलियंस में कैबिन म्यूटेट था। अभी तुमसे एक पुराना हिसाब चुकाना बाकी है और तुम्हें अपना असली रूप भी दिखाना है। और फिर जो इसके बाद अगला कैबिन हमें देखने को मिला वो था ये कैबिन 11,000, और ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैबिन है जो हमें बेंटन में अभी तक देखने को मिला है। और कहा जाता है कि ये वाला कैबिन बेंटन का सबसे पावरफुल कैबिन 11 है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कैबिन 11 का ये वाला फॉर्म कैबिन 11,000 बेंटन में अभी तक का कैबिन का सबसे ज़्यादा इविल फॉर्म था, जो हमें बेंटन 1000 के एपिसोड में देखने को मिला, जहाँ पे जो कैबिन 11,000 था उसने अपने सन तक को नहीं छोड़ा था। और फिर इसके बाद जो अगला म्यूटेशन हमें कैबिन 11 का देखने को मिला वो था बेंटन एलियन फोर्स के गेम में, और वो था ये म्यूटेशन जो हमें डीएन एलियंस के साथ देखने को मिला था कैबिन का। और ये वाला म्यूटेशन भी काफ़ी यूनिक था और ज़्यादातर बेंटन फैंस के लिए ये वाला लुक काफ़ी फनी भी था। और इसके बाद जो अगला और फाइनल म्यूटेशन हमें कैबिन 11 का देखने को मिला जो कैबिन का 11वां म्यूटेशन है वो है ये, जो हमें बेंटन रिबूट में देखने को मिला, जहाँ जो कैबिन था वो एक ह्यूमंगस और की स्पीसीज ह्यूमंगा रैप्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और इसके बाद जो कैबिन था वो वापस अपने रियल रूप में नहीं आ पा रहा था। और ये वाला भी कैबिन फ्यूचर का कैबिन था जो हमें बेंटन रिबूट में देखने को मिला बेंटन की मूवी बेंटन 1010 में। और ये कैबिन का फाइनल म्यूटेशन था जो कैबिन का 11th म्यूटेशन है। और इसके बाद मैं कोई और म्यूटेशन अभी तक कैबिन का नहीं देखने को मिला है। ये थे वो कैबिन 11 के 11 म्यूटेशन जो हमें अभी तक बेंटन में देखने को मिले हैं। अब आप मुझे कमेंट में ये बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका कौन सा वाला म्यूटेशन कैबिन का सबसे ज़्यादा पसंद है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आपका इंतज़ार नीचे कमेंट में करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कैबिन 11 के फैंस के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर किसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। पुराने दिनों की याद आ गई।